चलिए बात कर लेते हैं अग्निपथ योजना की। सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ तेजस्वी यादव ने मार्च निकाला। सेना में अग्निपथ योजना की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन विरोध थमता नजर नहीं आ रहा। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में विधायकों ने विधानसभा से राजभवन तक मार्च निकालकर योजना वापस लेने की मांग की। नहीं, ये स्कीम को जो है पूरी तरीके से केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए। ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये मजाक है। आज के लिए और ये तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास के करीब की हैं, जहां पर शरद पवार मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं मुलाकात के लिए। 6 बजे का ये वक्त था और ये देखिए शरद पवार अपने वक्त के मुताबिक जो पहुंच गए हैं और शरद पवार के साथ में कुछ और नेता भी यहां पर नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये मुख्यमंत्री निवास के करीब की हैं, जहां पर एक एक करके कई सारे जो है जो गाड़ियां हैं वो पहुंची हैं। सुप्रिया सूले भी पहुंच गई हैं। सुप्रिया सूले, शरद पवार, ये जो तमाम नेता हैं जो इस वक्त उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए पहुंचे हैं। खास तौर पर ये मुलाकात इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उद्धव ठाकरे के अपनी पार्टी के जो कई विधायक हैं वो उनके साथ में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच में शरद पवार की ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये मुलाकात हो रही है मुख्यमंत्री निवास में, जहां पर हम मौजूद हैं। और देखिए पीछे ये मुख्यमंत्री निवास है जहां पर शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सूले पहुंची हैं। और ये मुलाकात इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि महाविकास अघाड़ी का भविष्य क्या है उसको लेकर के अपने आप में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और शरद पवार ने हालांकि जरूर कहा है कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, ये शिवसेना के नेताओं को ही तय करना होगा, लेकिन शरद पवार की यहाँ पर पहुंचना एक मैसेज भी देता है कि शरद पवार इस मसले पर उद्धव ठाकरे से भले ही उन्होंने कहा हो कि उनका अंदरूनी मामला है उनको देखना होगा, लेकिन चर्चा भी कर रहे हैं। और ये मुलाकात उस दौरान हो रही है जब अब से करीबन 45 मिनट पहले महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो प्रदेश की जनता है उसको संबोधित किया। हालांकि उस संबोधन के दौरान भी उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार इस्तीफे शब्द का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने बार बार कहा कि अगर मेरी पार्टी के नेता चाहते, मेरी पार्टी के मेरे सहयोगी चाहते कि मैं मुख्यमंत्री ना रहूं तो मैं इस्तीफा देने को तक तैयार हूं, लेकिन वो सामने आकर के मुझसे कहें। और इस सबके बीच में शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सूले के साथ में यहाँ पर पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर अब क्या समीकरण। पूर्णिया सिटी जानिए पूर्णिया सिटी। हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
हाय। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।